हेलो एवरीवन, आइए आज चाइनीज़ रेसिपी ड्रम स्टिक बनाते हैं। जाहिर है कि ये चाइनीज़ रेसिपी है तो ये थोड़ा बनाने में अलग होगा और इसके मसाले भी आम मसालों से थोड़ा सा अलग हैं। तो अच्छे से समझने के लिए और परफेक्ट ड्रम स्टिक बनाने के लिए मेरे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। आप देखेंगे कि बड़ी ही आसानी से ये इतनी टेस्टी रेसिपी घर में ही बन जाती है और इसी के लिए हमें रेस्टोरेंट जाके बहुत सारा पैसा और बहुत सारा वक्त लगाना पड़ता है और बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम घर में बनाया हुआ चिकन कीमा मैंने लिया है और साथ ही एक बड़ी सी प्याज को चॉप करके मलमल के कपड़े में छानकर उसका पानी निकाल लिया है। अब एक मिक्सी में मिर्च लहसुन को सिरके के साथ पीसकर उसका पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट हमें दरदरा सा बनाना है ताकि कोफ्ते में इसका टेस्ट पता चले। रूम टेम्परेचर पर रखा एक अंडा ले लें और उसमें 3/4 टेबल स्पून सोया सॉस मिला लें, 3/4 टेबल स्पून चिली सॉस डालें और इसे अच्छी तरह से फेंट लें। एक प्लेट में 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1/2 टेबल स्पून के लगभग बेकिंग पाउडर मिला लें। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस मिक्सचर को एक तरफ रख दें। आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर कोफ्ते के मिक्सचर में हम पाउडर मसाला मिला रहे हैं तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च डालें, 3/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डालें, 1/2 टीस्पून नमक है या नमक स्वाद के अनुसार। जो हमने अंडे वाला मिक्सचर तैयार किया है वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालना है और इसे अच्छे से कोफ्ते में मिक्स करना है। इससे हमारा मिक्सचर थोड़ा पतला हो जाएगा लेकिन फिकर की कोई बात नहीं, हमने एक ड्राई मिक्सचर भी तैयार करके रखा है। जो मैदे वाला हमने मिक्सचर बनाया था वो इसी पर्पज़ के लिए है कि इसमें डालने से वो उसकी बाइंडिंग होगी। अब कोफ्ते का मिक्सचर इस तरह का बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप इसका नमक और मिर्च चख लें, अगर नमक कम हो तो थोड़ा नमक शामिल करें और अगर मिर्च कम हो तो सिरके और मिर्च वाला पेस्ट थोड़ा सा शामिल कर लें। और इसकी बाइंडिंग के लिए जो हमने आटे और मैदे वाला कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सचर बनाया था वो इसमें डालें और फिर से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लें। जहाँ पर आपको लगे जितना डालने की ज़रूरत हो आप उसे डालते जाएं और मिलाते जाएं, हो सकता है कुछ आपका ये मिक्सचर बच जाए। और यही इसका की इंग्रेडिएंट है। इसे बनाने के लिए थोड़ा बड़ा साइज का बनाएं और इसमें स्टिक डालकर अच्छी तरह से इसे घुमा घुमा कर गोल कर लें। मैंने पहले से ही यहाँ पर तेल को गरम करके रखा हुआ है। अब उसमें आप चाहे तो स्टिक के साथ या चाहे तो बगैर स्टिक के ये डालते जाएं। फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें, बिल्कुल लो पर फ्लेम रहेगा और आपको अगर लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए हटा दें वरना आपका ड्रम स्टिक अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से तला जा रहा है। ओरिजिनली तो ये लेग वाली बोन के ऊपर बनाया जाता है लेकिन हर वक्त उतने बोन स्टिक मिलने वाले नहीं हैं तो हम इसे लकड़ी के इस पर भी बना लेते हैं और कभी कभी कोफ्ते की शक्ल से भी बना लेते हैं। बहुत ही खस्ता और जालीदार ड्रम स्टिक बनाने के लिए इसे डीप फ्राई करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार, कितना कुरकुरा और सोंधा सा ये तलते हुए दिख रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे बड़ी क्वांटिटी में बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जिस वक्त आप इसे लकड़ी पर लगाते हैं उस वक्त
आप जो ज़्यादा क्वांटिटी है उसे ट्रे में फैलाकर थोड़ी देर तक फ्रीज़र में रख दें और 10 मिनट के बाद जब वो सख्त हो जाए तो आप उसे किसी जिप लॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं और इस तरह से आप इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं और जब खाने का दिल करे थोड़ा सा निकाल कर आप उसे फ्राई कर सकते हैं। हाँ, फ्राई करने से एक घंटा पहले निकाल कर उसे रूम टेम्परेचर पर ज़रूर कर लेना होगा। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें।